फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम आमिर है। मेरा नाम अली रजा। तो अनिल कपूर की मूवी एक हमें मिली है, लास्ट भी शायद उनकी मूवी थी जिसमें जुदाई थी। दो पत्नियां उनको मिली थी, एक पत्नी लालची थी, दूसरी पत्नी अमीर थी। तो वो भी बड़ी एंटरटेनिंग मूवी थी। अभी दूसरी मूवी है लाडला, तो लाडले में देखते हैं ये क्या हमें देखने को मिलता है। तो प्ले करें। यहाँ अभी अरे का भाई गुड मॉर्निंग मैडम। कल पांच मजदूर काम पे नहीं आते इसलिए स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर पांच मजदूर नहीं आए थे तो दूसरे पांच मजदूरों से होम क्यों नहीं करवाया। आई एम सॉरी मैम। तुम लोग ये मत भूलो कि ये हिंदुस्तान की नंबर वन फैक्ट्री है और मुझे ये फैक्ट्री दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारी है, अपने माँ बाप से भी ज्यादा। और उसकी पोजिशन डाउन करने वाले मैं हर किस माफ नहीं कर सकती। बड़ा गुस्सा है इधर मैडम बोल रहे। रिजेक्ट करते करते एक ऐसा वक्त आए कि लड़के तुझे रिजेक्ट करने लगे। पापा
हिम्मत में चूकी और आपकी बेटी को रिजेक्ट करने की किसी लड़के में हिम्मत नहीं। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे से दिल में मिलेगा। लेकिन ऐसा बोलहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है मारूंगी। मुझे लगता है इसके लिए ऐसा लड़का आसमान से उतारना पड़ेगा। कोई है? मेरे मना करने के बाद गुलाब जामुन मैं तुझे तो लौट दूंगा, खूब अच्छी दूंगा राजा। कौन सा धंधा चल रही है? अपनी मेहनत का पैसा इस तरह कमाते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आती? ये सारी लड़की हर तरफा इधर आ जाती है और तुम लोग को लूट कर चली जाती है। ये देखो ये देखो, ये तुम लोगों के 50-50 रुपए से इसने गाड़ी भी खरीदी और तुम लोग, अरे घर में बीवी है, तुम लोग मुख खरीद लेते क्या चुम्मी? जो बात इस गुलाब जामुन की चुन्नी में है वो घर की बुढ़ी औरत की चुन्नी में कहाँ है? अरे लो दर्जा चुमी और भूखा मारो अपने बीवी बच्चों को भूखा। नहीं नहीं राजू भैया, आज के दिन हमें हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए, आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजू भाई वो देखो वो कैसे लेके भाग गई। अरे भाग कर जाएगी कहाँ, एरिया तो अपना ही है। मैं तुम लड़कों की जान को अच्छी तरह जानती हूँ, जो खूबसूरत लड़की को देखते ही जान बूझ कर ठीक है। मैं सिर्फ छोटी सी नाक पर बहुत ज्यादा गुस्सा रखा हुआ, शायद इसकी वजह से थोड़ी सी इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो लड़कियों का गहना बेचा, इस गहने को लड़के क्यों कहते? वैसे आजकल की लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं है, अक्सर खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम लड़कों से जानबूझकर टकराती है और फिर खड़ा करने के बहाने दोस्ती कर लेती है और फिर दोस्ती होते ही प्यार का इकरार भी कर लेती है। ओके सॉरी, क्या कोई चांस नहीं है? शायद तुम नहीं जानते हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रही हूँ। मैडम आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर हो, मुझे उनसे क्या लेना देना? वैसे आपके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि आपकी फैक्ट्री में सिर्फ चमचे के सभी लोग काम करते हैं, जो आपकी जीव चोरी करके फैल चुकाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से मर्द हो तो ऐसा जो सर उठा के बात कर सके और औरत हो तो ऐसी जो सर झुका के बात करना चाहे। रोने का लग जाए। तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं।
लेकिन दुआ के बगैर दवा भी बेअसर होती है। अगर इस माँ ने चाहा तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके भेजे हुए टेंडर्स पर गौर करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया है कि इस साल का कॉन्ट्रैक्ट भी शीतल इंडस्ट्रीज को दिया जाए। बापू भैया शक्ल बिगड़ गई इनकी। कांग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस शीतल। थैंक यू सुरेंद्र जी। इस लड़की को मुबारकबाद देते देते मेरी तो सवाल थक गई है। आज फिर से वही कॉन्ट्रैक्टर कर दिया जिसकी हमें सर जरूरत थी। क्या करें डैडी, शीतल इंडस्ट्रीज आज नंबर वन कहलाती है। किसी जमाने में हमारी इंडस्ट्री भी नंबर वन कहलाती थी, लेकिन जब से मैंने अपने बिजनेस की भाग दौड़ तुम्हारे हाथों दी है विकी, मैंने अपने पैरों पर खुद को धाड़ी मार दी है। क्या फायदा बेटे पे नाराज होने से, कॉन्ट्रैक्ट वापस मिल जाएगा क्या? एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, बोलो तो बताओ। अपने विकी और शीतल की शादी हो जाए, दोनों खानदानों में रिश्तेदारी हो जाए, दोनों की फैक्ट्रियां अपने आप एक हो जाएंगी। मतलब कि हमारी क्या बात है, आराम क्या आइडिया है।